हाय लवली पीपल्स, कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। यहाँ मैं आप लोगों के लिए आज छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ। प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, कोई भी स्किप ना करें। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ किचन काउंटर को हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्योंकि डेली काम करते करते हमारी जो किचन है बहुत ज़्यादा मेसी हो जाती है और हमारा जो सामान है उथल पुथल हो जाता है। तो बस छोटी छोटी चीज़ें हम अपने घर में लाते ही हैं, तो उनसे हम अपने किचन काउंटर को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ख़ास तौर पर ऐसे जो एरिया होते हैं, ये वाला जो हमारे कोने होते हैं किचन के, वो कुछ ज़्यादा ही मैसी लगने लग जाते हैं, जहाँ पे हम चम्मच वगैरह के अपने रैक स्टैंड वगैरह रखते हैं, वो क्या है ना, थोड़े से मैसी लगने लग जाते हैं। अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे थ्री लाइनों वाली एक प्यारी सी छोटी सी रैक लेकर आई हूँ, जिसमें मैं अपने कप और गिलास रखने वाली हूँ, जिससे कि देखने में भी अच्छी लगे और ऑर्गेनाइज लगे पूरी किचन और ज़्यादा मैसी भी ना लगे। तो देखा मैंने ऊपर और नीचे के कुछ नहीं रखा, अभी बीच वाले में मैंने कप लगा दिए। सबसे नीचे वाले में मैं ये अपने कांच के गिलास लगाऊंगी, ताकि देखने में थोड़े से अच्छे लगें। और बस जैसे ही कांच के गिलास लग जाएंगे, उसमें देखना फिर मैंने ये जो अपना किचन का जो कोना है, इसको कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ नीचे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप देखिए मेरे किचन का जो कोना था, पहले कैसा लग रहा था और अब कैसा लग रहा है ना। और ये मेरी मसालेदानी आप देख सकते हैं, क्या है ना, हम साल छः महीने के बाद एक मसालेदानी से हम लोग बोर हो जाते हैं, तो हमें थोड़ा चेंजेस भी लाते रहने चाहिए। जैसे हम अपने घर में चेंजेस लाते हैं, कुछ नया लगाते रहते हैं, इसी तरीके से हमें अपने किचन में भी चेंजेस लाने चाहिए। तो बस मैंने एक ये अपनी मसालेदानी भी खरीदी थी, और केवल दो ही चीज़ मैंने देखी, एक किचन काउंटर पे कोने की जो शेल्फ है ये खरीदी थी, और एक मसालेदानी। सिर्फ इन दो चीज़ों से ही मेरी किचन पूरी खिल उठेगी, जैसे उसमें जान आ गई हो। जो मेरे पुराने मसालेदानी में मसाले थे, वो मैं सारे नए वाले मसालेदानी में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, आप जैसे कि देख ही रहे हैं। तो बस इसी को ही मैं, हम छोटी छोटी चीज़ों को जो इग्नोर मारते हैं ना रोज़, अगर हम इन्हें इग्नोर ना मारे, थोड़ा सा ध्यान दे, तो हमारी किचन सुपर डुपर अच्छी लगेगी, और जो आने जाने वाले भी हैं ना, वो भी तारीफ़ कर करके थकेंगे नहीं। क्योंकि क्लीनिंग क्या है, किचन में कितनी भी क्लीनिंग कर लो, वो सुबह शाम या दो दिन बाद ऐसी दिखती है, लेकिन हम हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना, तो हमारी किचन जो है सुपर डुपर एक्साइटेड लगेगी। माना हल्का सा तो खर्चा करना पड़ता है, लेकिन खर्चा भी तो हम अपने घर के लिए कर रहे हैं, थोड़ी ना हम बाहर के लिए कर रहे हैं ना। तो ये देख सकते हैं आप, और यहाँ साइड में जो कि मैंने ट्रे रख रखी थी, इसको देखिए मैंने साइड में अच्छे से लगा दिए। अब आप बताइए मेरा किचन पूरा आपको कैसा लग रहा है। मैंने पूरा किचन तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, बस दो ही मैंने शेल्फेस आप लोगों के साथ शेयर किए। अब देखिए आप मेरा किचन कॉर्नर कितना प्यारा लग रहा है, और ये देखिए मेरी मसालेदानी। अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।